जिला प्रशासन ने आनंद पारन में आदेश जारी किया और जांच दल 15 दिवस के अंदर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ व पुलिस अधीक्षक ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। जयस युवाओं को मनवाया है और जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने कहा कि अगर जांच दल कार्रवाई नहीं करता है तो जिला कलेक्टर का घेराव कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आदिवासी बच्चों के पीने के पानी छीनने वालों को बचाना बंद कर दे प्रशासन। कलेक्टर एसपी से मिले, क्या कहे? आज बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा था और जयेश ने पहले स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन काले झंडे से स्वागत करेगा, जिसमें बड़वानी जिला प्रशासन हरकत में आकर तत्काल इन्होंने लिखित आदेश दिया है और जल जीवन मिशन में जितने भी दोषी भ्रष्टाचार किया है, जितने भी ठेकेदारों ने पैसा गबन किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए बड़वानी के पुलिस अधीक्षक, बड़वानी के जिला कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सदस्य महोदय, जिला पंचायत सीओ ने हमें आश्वासन दिया है और लिखित आदेश दिया है। जयस युवाओं को लिखित आदेश दिया है तो लिखित आदेश में 15 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन प्राप्त वहाँ पर सौंपने की बात की है और अगर ये 15 दिवस के बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे बड़वानी जिले के आदिवासी बच्चे, आदिवासी लोग, आदिवासी महिला पुरुष मिलकर इन स्कूलों का बहिष्कार करके जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे और जिला कलेक्टर, जिला मुख्यालय पर हम बड़े स्तर का आंदोलन करेंगे अगर ये 15 दिवस का जो लिखित आदेश हमें दिया है। यहाँ पर आज हम लोगों ने नांगलवाड़ी मौके पे पहुंचे और मौके पे एसपी, कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ ने हमारे जयस के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर तत्काल में लिखित आदेश दिया, इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले लोग, हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून व्यवस्था का मान सम्मान करते हुए हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो वापस लेते हुए हमने ये लिखित आदेश का मान किया है, सम्मान किया है।